जरा सोचो कि आप किसी को एक वॉइस नोट भेज रहे हो किसी और की आवाज में एआई की सहायता से, यानी कि बोला आपने लेकिन गया किसी और की आवाज में। हाउ क्रेजी इज दैट। आज के इस वीडियो में यही बताऊंगा आप लोगों को कैसे करना है, और एक रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहूंगा कि यार इस टूल को बिल्कुल भी कुछ गलत करने के लिए इस्तेमाल मत करना। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, क्योंकि इस टूल को जानने के बाद आप लोग के पास एक पावर रहेगी इस काम को करने की, तो डू नॉट मिस यूज इट। पिछले एक दो साल से एआई जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है, इट्स माइंड ब्लोइंग, इट्स स्कैरी, और यार सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि इतना आगे जाएगा। तो चलते हैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन में, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि किस तरह से आप वॉइस क्लोनिंग कर सकते हैं चुटकियों में बड़े आराम से। बच्चा वॉइस क्लोनिंग कैसे कर सकता है और करेगा फ्यूचर में, इस बात से अवेयर भी करना चाहता हूँ आप लोगों को। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और डेमो को देखते हैं। सो यार जिस टूल की मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से, उसका नाम है voice.ai। एक बहुत ही खतरनाक टूल है। खतरनाक इसलिए बोला क्योंकि यार जो चीज आप कर सकते हो ना इससे, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वीडियो स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है यार। इस तरह के और भी बहुत सारे टूल्स आएंगे और मैं इस चैनल पे भी आप लोगों को दिखाऊंगा जैसे जैसे मुझे दिख जाएंगे, बट अभी एक फ्रीमियम वर्जन इसका अवेलेबल है जिससे कि यार आप सब लोग ये चीज़ कर सकते हो जिसके बारे में मैंने बात करी। तो आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करो, ये डाउनलोड होगा जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे। मोस्ट ऑफ द पीपल विंडोज़ में होंगे मुझे पता है, और मैं भी विंडोज़ में ही हूँ अभी, इसीलिए वैसे मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ वीडियोज़ बनाने के लिए काफ़ी टाइम से, बट विंडोज़ में आ गया हूँ इस काम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये डाउनलोड कर रहा है कुछ यूटिलिटी फाइल्स, और मतलब अपना काम ये करेगा खुद ब खुद, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड फाइनली जब ये हो जाएगा ना, तब मैं आप लोग को दिखाऊँगा कि ये कितनी मज़ेदार चीज़ है। अब voice.ai जैसी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप GitHub पे भी अगर जाओगे ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बस जितनी देर में डाउनलोड हो रहा है मैं बता रहा हूँ आपको, आप GitHub पे भी जाओगे ना, आप सर्च करो GitHub पे वॉइस क्लोनिंग, ठीक है। और थोड़ा सा आपको शायद ये सदमे दे दें, सदमे का मतलब ये है कि ये शायद आप लोगों से चले ना, एरर आए, कुछ ऐसा हो जाए कि यार ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। voice.ai यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि यार इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी। अगर आप नॉन टेकी पर्सन भी हो ना, जिसको टेक नहीं आता तक बिल्कुल भी, वो भी कर सकता है इस चीज़ को, इसलिए मैंने ये voice.ai चुना। क्योंकि यार जब आप एक्चुअल में प्रैक्टिकली कर पाओगे ना चीज़ों को, फिर अप्रिशिएट करोगे, फिर इन सब चीज़ों को चलाने का मूड करेगा आपका, ठीक है। और भी बहुत अच्छी अच्छी रियल टाइम वॉइस क्लोनिंग जैसी और भी अच्छी अच्छी रिपोज आपको मिल जाएंगी। बट अगेन ये काफ़ी मुझे ट्रस्टवर्दी लग रही है, 40,000 स्टार्स मायने रखते हैं भाई GitHub जैसे प्लेटफॉर्म पे। बट अभी मैं यहाँ पर इसका वेट करूँगा इंस्टॉल होने का, और जैसे ही ये खत्म हो जाएगा ना, पूरा एंड तक चला जाएगा, मैं फिर वापस आता हूँ। अब ये यहाँ पर स्टार्ट विद विंडोज़ मुझसे बोल रहा है, ठीक है, मैंने फिनिश कर दिया इसको, अब ये खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बस फॉलो कर रहा हूँ एक तरह से, मतलब सॉफ्टवेयर जैसे इंस्टॉल होता है ना वैसे कर रहा हूँ बस, ठीक है। मैं बस ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों में से कोई भी ये ना पूछे मुझसे कि यार ये कैसे किया वो कैसे किया। तो ये अभी इस तरह से कर रहा है। अब आपको क्या है ना कि इस पे अकाउंट बनाना पड़ता है। अब मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा था, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डालता हूँ। अब क्योंकि मैंने अकाउंट बना रखा है इसलिए मैं लॉगिन नाउ पे क्लिक करूँगा। आप लोग साइन अप कर लेना अपने ईमेल से, ठीक है। मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लॉगिन करके और फिर आप लोग को दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब देखो मैंने ऑलरेडी एक वॉइस कन्वर्ट कर रखी है। अब देखो मैंने जो मेरा डिफ़ॉल्ट इनपुट है वो मैंने माइक्रोफोन अपना जो है वो सेलेक्ट कर रखा है, बट मैं इसी माइक्रोफोन से बात भी कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट श्योर कि चीज़ें काम करेंगी भी कि नहीं करेंगी। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप या तो लाइव मोड में जा सकते हो या रिकॉर्ड मोड में जा सकते हो, और मैं काम करता हूँ अभी यहाँ पर रिकॉर्ड करता हूँ अपनी आवाज़ को और देखता हूँ कि ये किस तरह से चेंज होती है। अब यहाँ पर ना आप अलग अलग तरह से चेंज भी कर सकते हो वॉइस। देखो अलग अलग तरह की वॉइसेस यहाँ पर हैं। देखो ये लड़की की आवाज़ है, पॉलिटिशियन की आवाज़ है, बैरक ओबामा की आवाज़ है। आप ट्रेन भी कर सकते हो अपनी वॉइस, बट उसके लिए शायद ये लोग पैसे वगैरह मांगते हैं। अगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो यार आप कर भी सकते हो। बट पता है क्या होता है कि जब आप किसी की तरह किसी की मिमिक्री करते हो ना, जैसे अगर मान लो मैं अमिताभ बच्चन की, मान लो मेरी आवाज़ है भी नहीं अमिताभ बच्चन जैसी, अगर मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ नमस्कार देवी और सज्जना हूँ मैं अमिताभ बच्चन, तो लगेगा ऐसा कि अमिताभ बच्चन जैसी आवाज़ है, ठीक है। तो अंदाज जो होता है ना वो बहुत मैटर करता है। अगर मैं मान लो कुछ इस तरह से बात कर रहा हूँ, किरण मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो लगेगा आपको कि मैं शाहरुख खान की तरह बोल रहा हूँ, बट मेरी आवाज़ शाहरुख खान से बिल्कुल भी नहीं मिलती है। रियलिटी ये है, ठीक है। कुछ लोगों की मिलती भी है, जैसे बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि मेरी आवाज़ फरहान अख्तर की तरह मिलती है, तो मैं अगर फरहान अख्तर जैसी मैं कुछ भी बोलूँ ना तो बहुत ईजिली हो जाएगा। बट यार आजकल इन टूल्स के आने के बाद तो यार इन सब मिमिक्री आर्टिस्ट तो घर पर ही बैठे हैं जॉब छोड़ के, ऐसा हो गया अभी, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ इसको अभी बंद करता हूँ, मैंने जो ये डिफॉल्ट लड़की वाली आवाज़ चुनी हुई है इसी को मैं रखता हूँ, और मैं रिकॉर्ड करके देखता हूँ यहाँ पर क्या होता है। हेलो, मेरा नाम स्टेसी है और मैं एक लड़की हूँ, और मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आज से स्टेसी पुकारें,
मुझे किसी और नाम से ना पुकारें, मैं वॉइस डॉट ए आई यूज करता हूँ। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने बहुत लाउड ऑडियो। हेलो, मेरा नाम एक मेरा नाम क्या है मेरा नाम स्टेसी है। वाओ, मैं एक लड़की हूँ और मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आज से स्टेसी पुकारे, मुझे किसी और नाम से ना पुकारे। वॉइस डॉट ए आई, क्या बात है यार, क्या बात है। देखा आपने, देखा कितनी खतरनाक आवाज़ निकाल दी से। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है इस चीज़ में। और ना इस बार मैं लड़की के जैसे बोलने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो आप लोग हंसना मत बिल्कुल भी, कमेंट में एक भी लाफिंग इमोजी नहीं दिखनी चाहिए मुझे, क्योंकि मैं बस ना ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर मैं लड़की जैसे बोलूँगा तो होता है कि नहीं। और ये मैं बस इस टूल को टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? एक भी लाफिंग इमोजी नहीं आनी चाहिए कमेंट में। हाय, मेरा नाम स्टेसी है, आप लोग कैसे हैं? हाँ, मैं स्टेसी हूँ, मैं आज सुबह ब्रेकफास्ट करने गई थी इस दुनिया के सबसे बढ़िया इटालियन रेस्टोरेंट में। ओके, ये पता नहीं क्यों मुझे वार्निंग दिखा रहा है यार, मेरी आवाज़ इतनी ठीक तो अच्छे से रिकॉर्ड हो रखी है। हाय, मेरा नाम स्टेसी है, आप लोग कैसे हैं? हाँ, मैं स्टेसी हूँ, मैं आज सुबह ब्रेकफास्ट करने गई थी इस दुनिया के सबसे बढ़िया इटालियन रेस्टोरेंट में। क्या बात है यार, AI. यार ये वाली तो बिल्कुल रियल लग रही है, ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब मैं लड़की ही हूँ, ठीक है? तो अब यार एक काम और करते हैं, एक और वॉइस ट्राई करेंगे, देखता हूँ मैं कितना इजी है ट्राई करना। और मतलब आज की तारीख में यार अगर वॉइस चेंज भी हो जाए ना तो भी बहुत बड़ी चीज़ है यार, मतलब चेंज भी हो जाए अगर। तो मान लो मैं ये सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ये ट्रेन का ऑप्शन मुझे दे रहा है, क्या ये मुझे यूज़ का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा? मान लो मैं ये यूज़ का ऑप्शन दे रहा है तो मुझे ट्रेन करना पड़ेगा अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ बैरक ओबामा की वॉइस को, बट ये मैं फ्री में कर सकता हूँ तो मैं करता हूँ ट्राई। पॉलिटिशियन, मेरे भाइयों और बहनों, आज हम वॉइस डॉट ए आई का प्रयोग करने वाले हैं। और मित्रों, ये अभी बीटा में है, हम लोग इसको फ्री में प्रयोग करेंगे भाइयों और बहनों। ठीक है, प्रोसेसिंग कर रहा है अभी, ये देखता हूँ क्या रहता है। मेरे भाई और बहनों, आज हम voice.ai का प्रयोग करने वाले हैं। यार ये तो बहुत ही सही हुआ यार, ये तो बहुत ही सही हुआ। और मित्रों, ये अभी बीटा में है, हम लोग इसको फ्री में प्रयोग करेंगे। अरे यार क्या बात, मैं बता क्या सोच रहा हूँ, मैं ही सोच रहा हूँ कि जितने भी वॉइस नोट्स हैं ना ये मैं सब आपको ना गूगल ड्राइव पे दे दूँ, मज़ा आएगा आपको सुनने में। सुनना और यार इस टूल को ट्राई करना। एंड ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, अगर आपको काम है वॉइस डॉट ए आई खरीदना चाहते हो तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि 15 सेकंड की लिमिट हट सकती है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं यार 15 सेकंड है, इसको ज़्यादा कैसे करें, इस तरह के सवाल आते हैं। तो भाई अगर आप इस चीज़ से कमा रहे हो या फिर आपके पास अगर है स्पेंड करने के लिए पैसे तो खरीद सकते हो। मुझे तो पता भी नहीं कि इसमें क्या पेड इसके क्या प्लान्स हैं, मुझे मालूम भी नहीं है। लेकिन यार ये देख रहे हो, अभी मैंने देखा यहाँ पे ऐप सपोर्टेड बाय वॉइस है, मतलब आप स्काइप पे कनेक्ट कर सकते हो, मतलब मैं लड़की बन के किसी से गूगल मीट पे बात कर सकता हूँ। तो यार कुल मिला के अगर इसको किसी ने मिला दिया एक ऐसी ऐप के साथ जो कि आपके फेस को भी चेंज करती है, आजकल ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि आपके लड़के फेस को लड़की और लड़की फेस को लड़का बना सकती हैं, बहुत ही आराम से मिल जाएंगी आपको इस तरह की ऐप्स। यार अगर इन दोनों को मर्ज करके किसी ने, मतलब कोई प्रिटेंड कर सकता है एक ऐसा इंसान बनने में जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करता, मतलब सोचना, मतलब यू कैन प्रिटेंड टू बी अ पर्सन विच डजंट इवन एग्जिस्ट, समझ रहे हो? मतलब कोई आपसे बात करेगा, आपको अपना नाम बताएगा, आपको आपको उसकी आवाज़ सुनने को मिलेगी और यार मतलब वो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा, मतलब समझ रहे हो? ये तो बिल्कुल ही माइंड इज इक्वल टू ब्लोन हो गया, ठीक है? तो यार ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है, खतरनाक, यस आई मीन इट, खतरनाक चीज़ है। और ट्राई ज़रूर करो। और इसकी ट्रेनिंग वगैरह मैं, मुझे नहीं पता कि इसमें मैं ट्रेन कर सकता हूँ कि नहीं, किसी और की वॉइस डाल के मैं ट्रेन कर सकता हूँ कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, मैं थोड़ा इसको खुद भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और आप लोग को भी कोई चीज़ अगर पता चले इसके बारे में, देखो यार मैं कोई इस टूल का ऐसा तो है नहीं, PhD कर रखी है मैंने इस टूल में, तो या कोई भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ उसमें मैंने PhD कर रखी है ऐसा तो है नहीं। तो यार आपको अगर पता चलता है ना किसी भी टूल के बारे में तो आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर ट्रेंड पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ क्या कोई और वॉइस है जो कि यहाँ पर ट्रेन हो रखी है, क्या शाहरुख खान की वॉइस यहाँ पर मुझे मिलेगी? SRK इंडिया लिखता हूँ, अरे मिल गई SRK की वॉइस, एक मिनट, मैंने इंडिया लिखा, इंप्रेशन ऑफ इंडियन वॉइस, इंप्रेशन ऑफ शाहरुख खान। यार ये तो ट्राई करना बनता है यार, मैं इसको ट्राई करूँगा। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू ट्रेन हाई क्वालिटी फॉर 4600 क्रेडिट्स? मेरे पास 5000 क्रेडिट्स हैं, इसमें फ्री मिले मुझे, पता नहीं यार मुझे करना चाहिए कि नहीं, हो सकता है मुझे किसी और की वॉइस ट्रेन करनी पड़ जाए।
बट ठीक है यार, मैं एक काम करता हूँ, करता हूँ ट्रेन। ठीक है, इंप्रेशन ऑफ शाहरुख खान, बॉलीवुड शाहरुख खान, इसकी रेटिंग 3.3 है यार, 7 of 7 रेटिंग्स, 3.3 रेटिंग्स है, मतलब अच्छी नहीं है रेटिंग्स। क्या कोई और एस आर के की वॉइस है अपने पास में? रेटिंग्स ही नहीं है इसमें भी, रेटिंग्स ही नहीं है। तो चलो यार करते हैं ट्रेन यार, क्या रखा है क्रेडिट्स में, मैं वैसे भी क्या ही करने वाला हूँ, ट्रेन करता हूँ, देखता हूँ यार कि ये कितना टाइम लेता है। और यार मेरे क्रेडिट्स काफ़ी कम हो गए जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर, देखता हूँ क्या रहता है यार। तो ये ट्रेनिंग में टाइम तो ले रहा है, तो मैं काम करता हूँ, वेट करता हूँ इसके ट्रेन होने का, फिर वापस आता हूँ। तो यार यहाँ पर दिखा रहा है वॉइस ट्रेनिंग्स फिनिश्ड, काफ़ी बढ़िया। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको अभी जल्दी से। This is a standardized audio sample to demonstrate voice stability and tone without any voice acting. For optimal results, try doing your best impression. शायद ये शाहरुख खान मैं यूज़ करता हूँ इसको यार सीधे, मैं क्या टेंशन ले रहा हूँ। मैं लिखता हूँ, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे डाउनलोड कर रहा है शायद अभी डाउनलोड कर रहा है कुछ। ठीक है, डाउनलोड करने देता हूँ इसको। मैं कोई और डायलॉग मार सकता हूँ क्या SRK का? मैं सोच रहा हूँ यार कौन सा मारूँ डायलॉग। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, इसके अलावा और क्या मार सकते हैं हम लोग डायलॉग? हो गया ऑलमोस्ट, यही मारता हूँ, पहले देखता हूँ कैसा रिजल्ट आता है। अच्छा आया तो और फिर और करूँगा। ठीक है, तो 100% हो गया भाई। कितना वेट कराएगा मेरे को ये इनिशियलाइजिंग? अब इनिशियलाइजिंग में भी ले ले टाइम ये बहुत। हाँ ठीक है, रेडी। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, देखते हैं कैसा रिजल्ट आया। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे भाई साहब काफी सही है यार, काफी सही, मजेदार यार, मजा आ गया। और कोई डायलॉग हम लोग मार सकते हैं क्या? और कोई? मैं यार इसके साथ बहुत खेलने वाला हूँ, मैं इस वीडियो को जल्दी ख़त्म करता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बना दिया मैंने। बट यार मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस चीज़ को करने में यार। मैं सोच रहा हूँ कि एक और डायलॉग करते हैं। आई लव यू किरण, अच्छे से हुआ नहीं यार लेकिन ठीक है। आई लव यू हे दोस्तों, voice.ai को इस्तेमाल करो, बहुत बढ़िया टूल है, और मशीन लर्निंग के बारे में सीखो। तुम लोग बिल्कुल भी नहीं सीखते हो, बहुत गलत बात है दोस्तों ये, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ इन चीज़ों से। देखते हैं यार क्या रहता है। हे दोस्तों, voice.ai को इस्तेमाल करो, बहुत बढ़िया टूल है, और मशीन लर्निंग के बारे में सीखो। तुम लोग बिल्कुल नहीं सीखते हो, बहुत गलत बात है दोस्तों ये, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ इन चीज़ों से। ये voice.ai ये डाउनलोड हो जाता है क्या? देखता हूँ एक मिनट, हरियाणा हो जा रहा है डाउनलोड। ये सही है यार, ये तो काफ़ी सही है। मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ कहीं पे भी, तो इसको सेव कर लेता हूँ और ये सेव भी हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया है यार, मतलब मज़ा आ गया। अब मैं इसके साथ बहुत चीज़ें करने वाला हूँ। मैंने सही वॉइस डाउनलोड कर लिया SRK की, और मुझे पता नहीं सबको क्रेडिट्स मिलते हैं कि नहीं। वैसे मैंने सिंपल डाउनलोड ही किया है इसको, तो सबको मिलने चाहिए 5,000 क्रेडिट। बहुत सोच समझ के अपना मॉडल डाउनलोड करना, क्योंकि शायद आप एक ही कर सकते हो फ्री में डाउनलोड, बट मैंने सही कर लिया है मॉडल डाउनलोड। मैं इससे बहुत कुछ करने वाला हूँ, अपने दोस्तों को भेजने वाला हूँ SRK की वॉइस में, पता नहीं क्या क्या मैं भेजने वाला हूँ, और मतलब मज़ा आएगा यार, मज़े करेंगे। ठीक है, काफ़ी फन एक्टिविटीज़ करने वाला हूँ मैं, संडे है वैसे भी, मज़े करूँगा बहुत सारे। आप लोग भी अपना ध्यान रखना। और यार मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें ना बहुत होती हैं, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा कोड चलाना पड़ेगा, शायद थोड़ी मेहनत करनी पड़े, और उससे बेटर voice.ai यूज़ करो, थोड़ा टेस्ट ले लो, और उसके बाद आप लोग जो है मतलब voice.ai पैसे ही इसी बात के ले रहा है कि प्लग एंड प्ले है, सीधे डाउनलोड करो, इस्तेमाल करो, टेंशन ही नहीं लेना कोड की, एरर की। लेकिन यार कोड चलाने का भी अपना मज़ा है, तो किसी दिन कोड भी चलाते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।